जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके पास में कोई एक सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है या कोई सीक्रेट सोर्स होता है सच बात यह है कि ऐसा कोई भी सीक्रेट सोर्स या कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं होती है इन माय व्यू आज की डेट में तो इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिपेशन हो रखा है आपको पता ही नहीं है कि इतना सारा नॉलेज का हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन का करना क्या है उनका यह कहना था कि ट्रेडिंग जो है वो किसी को भी सिखाई जा सकती है या कोई भी सीख सकता है ये एक नेचुरल गिफ्ट नहीं होता है

प्रोफेशन है या पार्ट टाइम ट्रेडिंग है एक्चुअल जो है ट्रेडिंग फुल टाइम पार्ट टाइम जैसा कुछ होता नहीं है यह डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर आप किस तरह की स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करते हो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल की बात करूं तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में मुझे वीक डेज में या दिन में कभी भी मॉनिटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरा जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो केवल वीकेंड में सैटरडे या संडे के दिन बैठ के मुझे डिसीजन लेना होता है कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में कहाँ पे मेरा बाई होगा कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग होगा वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म अगर इसको जाते हैं आप डेली ट्रेडिंग में जाते हैं या इंटर ट्रेडिंग में जाते हैं देन डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको ट्रेडिंग मॉनिटर के सामने फुल टाइम बैठना पड़ेगा दूसरा एक मिसकनसन ये है कि ट्रेडिंग इज सिंपल एक्चुअली बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी इट इज़ नॉट इजी क्योंकि ये ट्रेडिंग एक आपके नॉर्मल कॉमन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट जाता है और हर कोई टिप्स या एक शॉर्टकट्स चाहता है हकीकत यह है कि किसी भी हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी में शॉर्टकट जैसा कुछ होता नहीं है अगर आपको यहाँ पे सक्सेस चाहिए तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी सही लर्निंग और सही सोर्स ऑफ लर्निंग चाहिए दूसरा एक बहुत ही कॉन्सेप्शन है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शुड बी कॉम्प्लेक्स अ सिंपल स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क सिंपल स्ट्रेटजी एक ट्रेडिंग सिंपल स्ट्रेटजी अगर आप किसी से डिफाइन करो या एक्सप्लेन करो तो एज ए ह्यूमन माइंड आपको लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतना सिंपल कैसे हो सकती है इट शुड बी कॉम्प्लेक्स अगर आप टर्टल स्टोरी का के बारे में एक केस स्टडी है टर्टल्स के बारे में जो कि हमारे मार्केट विजर्स डेनिस रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ड के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा शुरू हुई उस टर्टल स्टोरी में क्या था कि जो डेनिस रिचर्ड डेनिस थे उनका यह कहना था कि ट्रेडिंग जो है वो किसी को भी सिखाई जा सकती है या कोई भी सीख सकता है ये एक नेचुरल गिफ्ट नहीं होता है वहीं पे विलियम एक का ये आर्ग्यूमेंट था कि नहीं ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपका नेचुरल एक नेचुरल आपका एक क्वालिटी होती है जो आपको ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनाती है उस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने एक टर्टल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से उन्होंने दस से करीब बारह ट्रेडर्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स के उन्होंने हायर किए कुछ ट्रेडर्स का बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कुछ आपके क्रिएटिव फील्ड्स थे कुछ पीएचडी थे कुछ इंजीनियर्स थे ऐसे ही कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड्स का ट्रेडर्स को उन्होंने हायर किया और उनको दो वीक की ट्रेडिंग ट्रेनिंग के बाद उनको डिप्लॉय किया गया ट्रेडिंग स्ट्रेटी जिसमें कि उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपी रिचर्ड डेनिस की तरफ से दिया गया ट्रेड करने के लिए और उस ट्रेडिंग उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आया उसमें यह था कि उसमें से कुछ ट्रेडर्स थे जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया उनमें से कुछ आपके हैं जैसे जेरी पार्कर क्यूटिस कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और कुछ ट्रेडर्स थे जो कि एवरेज परफॉर्म किया सो so, इस एक्सपेरिमेंट का लर्निंग एक तो यह है इट्स नेचर वर्सेस नर्चर ट्रेडिंग जो है आपका इट्स नॉट अ बॉन्ड गिफ्ट इट्स लर्न आप इसको लर्न कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर एफर्ट और प्रॉपर सोर्स से अगर आप करें दूसरा इवन आप सेम सोर्स से अगर आप लर्न भी करते हैं स्टिल रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट ये रिजल्ट्स जो है वो कोर्स या सर्टिफिकेट या नॉलेज शोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जितना कि आपके ऊपर करता है अगर मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में ये एक बहुत ही कॉमन फिगर शो किया जाता है कि ट्रेडिंग में फेल्योर रेट इज वेरी हाई कोई बोलता है कि नाइन्टी फाइव परसेंट इज द फेल्योर रेट कोई बोलता है कि नाइन्टी परसेंट ट्रेडिंग फेल्योर रेट है एफ एन में तो इवन नाइन्टी एट तक क्लेम किया जाता है बट इस डेटा में कुछ नया नहीं है अगर आप देखें आप किसी भी परफॉर्मेंस फील्ड में जाएं तो ऑलमोस्ट सक्सेस रेट ऐसे ही मिलता है आपको आप अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ जाएं आप देखिएगा कि सक्सेस रेट वहां पे क्या होता है इट्स इवन लेसर देन फाइव परसेंट आपका ट्रेडिंग से भी बुरा रिजल्ट होता है वहां पे सीएम एग्जाम्पल अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लें चार्ट अकाउंटेंसी में भी अगर आप देखेंगे तो क्या सक्सेस रेट होता है थ्री टू फोर परसेंट आप आईआईटी या दूसरे किसी भी कंपटीशन फील्ड में देखें ओलंपिक्स में देखें या क्रिकेट जहां पे भी हाई परफॉर्मेंस फील्ड कोई भी एक्टिविटी होती है वहां पे सक्सेस रेट ऐसे ही होता है दूसरी चीज चैलेंजिंग ये वाई इस डेटा को अगर आप देखें हैं, तो ऐसा क्यों होता क्यों भाई इतना हाई फेल्योर रेट क्यों होता है उसका एक रीजन ये भी है कि ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई भी सर्टिफाइड या प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे कि आपके दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए है इंजीनियरिंग्स के लिए है या मेडिकल्स के लिए है या लॉ के लिए है दूसरी चीज़ ये फाइनेंस फील्ड जहां पे भी फाइनेंस इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स आप में से कितने लोग या हम में से कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस इवन प्रॉपर इंश्योरेंस के बारे में जानकारी रखते हैं अगर हमको प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है सो कितने लोग हम में से हैं जो प्रॉपर जानकारी रखते हैं जो भी इंश्योरेंस एजेंट आता है और उसमें से जो प्रोडक्ट वो पिच करता है बेच के चला जाता है तो अगर आप इसमें से प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस रेट आपका क्या होने वाला है यू कैन इमेजिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है आज के समय में इतना सारा इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है इन माय व्यू आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिपेशन हो रखा है आपको पता ही नहीं है कि इतना सारा नॉलेज का हमको इतना सारा इंफॉर्मेशन का करना क्या है यूट्यूब इतनी सारी बुक्स इतने सारे ट्रेनर्स सो फाइंडिंग एक्चुअल ऑनेस्ट रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रियल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज इज वेरी डिफिकल्ट मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कितने सारे वर्कशॉप अटेंड किए बट सून आई रियलाइज कि भाई ये जो वर्कशॉप हैं दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग मी एनी प्रोग्रेस क्योंकि ज़्यादातर जो वर्कशॉप हैं वो ट्रेनर्स रन करते हैं डोंट है मच स्किन ऑन द ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग इज ए हाई परफॉर्मेंस गेम एक्टिविटी तो अगर आप मंदिरा बेदी की बात करेंगे तो मंदिरा बेदी इज अ वेरी गुड कॉमेंटेटर बट सी इज नॉट अ वेरी गुड क्रिकेटर एट द सेम टाइम विराट कोहली वेरी फंटेस्टिक अमेजिंग क्रिकेटर बट ही मे नॉट बी अ वेरी गुड कॉमेंटेटर तो यहां पे हमको ये डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है कि एक कमेंटेटर और ट्रेडर या रियल प्लेयर में अंतर अगर आपको कुश्ती सीखना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुश्ती जिसने कुश्ती जीती है जो कुश्ती की निटीग्रिटी के बारे में जानता है वही आपको बेहतर कुश्ती सिखा सकता है और सिर्फ उसके सिखाने से आप नहीं सीखेंगे उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा आपको अपने शरीर को गंदा करना पड़ेगा मिट्टी में आपको लड़ना पड़ेगा देन ओनली आप प्रॉपर तरीके से उसको सीख सकते हैं दूसरा एक मिथ जो आता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके पास में कोई एक सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है या कोई सीक्रेट सोर्स होता है सच बात यह है कि ऐसा कोई भी सीक्रेट सोर्स या कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं होती है और इसी सीक्रेट को नाम देके आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी या कोर्सेज जो है बेचे भी जाते हैं एक अक्सर मेरे से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हम जॉब छोड़ना चाहते हैं और ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन क्या हम ले सकते हैं इसका एग्जैक्टली ब्लैक एंड वाइट आंसर थोड़ा सा मुश्किल होता है ये एक बहुत ही पर्सनलाइज आंसर होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक रीजन है कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा अप्रोच जो है कि आप स्टॉक मार्केट को एज ए लिवलीहुड सोर्स के रूप में ना लें दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन क्रिएट अ वेल्थ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ पे लिवलीहुड क्रिएशन की बात आती है वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी या श्योरिटी जैसी चीज जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है बट डेफिनेटली अगर आप पेशेंस रख के आप सीखते हैं और एक प्रॉपर फंड साइज आप अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं और एक प्रॉपर फंड साइज आप स्किल के बाद यूज करते हैं देन डेफिनेटली आप इसको ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम करियर भी ले सकते हैं